What gives you more hope? Looking at the bigger picture or taking it one day at a time? क्योंकि आजकल जब हम अभी इस सिचुएशन में जब है हम तो कुछ लोग कहते हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर यू विल गेट थ्रू दिस, बट कुछ लोगों का मानना ये भी है कि नो जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम बिकॉज दैट विल बी इजी. हरी हरी बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन भी इतने टफ नहीं थे. आई एम जस्ट आई नो यार, इट्स लाइक यू आर आस्किंग. So I am just saying कि मतलब gives you more hope. I'm sure both the things give you hope. Because कभी कभी it's always either or. It's like very situational. So my bigger question picture. is कि हाँ bigger picture. Yeah. Bigger picture. Bigger picture. Looking at the bigger picture. Okay. Bigger picture. Because I know someday this one almost a year we are like घर पे बैठे हुए हैं will give me something in my life. एंड उसके लिए एक रीजन है गुलजार साहब. वो इसलिए कि गुलजार साहब की एक स्टोरी है विच आई हैव रेड समवेयर. अगेन आई डोंट नो वेयर और हाउ, बट देयर वाज अ टाइम इन हिज लाइफ व्हेन फॉर अराउंड 2 years ही हैड नथिंग टू डू, नो वर्क. ऑल ही डिड वाज वेक अप एवरी डे, गो टू हिज ऑफिस एंड सिट देयर एंड ट्राई राइटिंग अगर कुछ होता था या नहीं. बट द बेस्ट पार्ट वाज ही बिकेम अ लिरिसिस्ट. No, this is somewhere in the middle of his career. अच्छा. इसलिए मुझे exact date या timeline नहीं मालूम है, मगर ये हुआ है ये मुझे मालूम है. And this kept on happening, but he made sure for all those 2 years, he went to his office and did things regularly, जैसे वो करते थे. And वो बताते हैं कि उसके बाद ही उनकी जिंदगी कुछ अलग तरीके से हिट की है. उस वक्त में उन्होंने जितना कुछ लिखा था शायद ही उन्होंने कभी यूज किया हो. बट द स्ट्रगल ऑफ गोइंग थ्रू इट, ऑफ वेकिंग अप एवरी डे विदाउट एनी substantial thing to do and going to the office and doing it as regular as possible made him what he is today. So I guess that's what, like waking up every day, sitting and deciding ki aaj kuch nahi to yaar do pages pad lete hain, ya kuch nahi to ek TV series dekh lete hain, kuch nahi to ek walk kar lete hain, agar kuch bhi nahi to dopahar mein baith kar yahan ek khidki bahut khoobsurat si usse badalon ko bas paar hote hue dekhte hain. So kuch na kuch wo badal kahin pahunchenge, barish karayenge. वो मूवी शायद किसी एक वक्त में मुझे कुछ इंस्पिरेशन देगी. वो कहानी जो पढ़ रहा हूँ वो कुछ और बनकर मेरी कहानी में निकलेगी. Definitely. So, movie से याद आया, cinema या music? Hey, Haley, I'm leaving. Dude, this is so tough. Cinema. I'll stick with cinema because cinema has music involved. I knew this, you will do this. ओके ठीक है, दिस इज फाइनल. एंड आई मीन आई कैन ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट योर आंसर, बट फिर भी आर्ट और रियलिटी. आर्ट, या इट्स लाइक राइट नाउ रियलिटी सो ग्रिम दैट इवन लाइक एनीबॉडी वुड से आर्ट. ठीक है, एनी डे आर्ट, एनी डे आर्ट, एनी डे इवन लाइक एनी डे आर्ट. व्हाट वी डोंट नो द रियलिटी वी आर ट्राइंग टू बिलीव इन, शायद वो भी फिक्शन है पूरा. That's true. I actually like I this is something that I had thought about recently, that we have created so much fiction just to coexist in reality. So whoa. Yeah. So I agree with you totally. And so ab ek aur sawal hai tumse. Actually kuch aur sawal. Nahi, choose karne wala hai? Nahi. Nahi, ab choose karne wala sawal nahi. Choose wala round ho gaya. Haan. Wo you were scoring me for that? Nahi. नहीं नहीं स्कोर नहीं था, बस जानना था. अच्छा तुम्हें स्कोर कोई हैंपर हैंपर मिलेगा? कोई हैंपर हैंपर मिलेगा? हाँ तुम्हारे कुरियर हो जाएगा. ठीक है. वाव हेली, ये डू दीज राउंड्स लाइक मल्टीपल टाइम्स प्लीज. अच्छा ठीक है, अभी तुम्हें तुमसे फीडबैक मिला है, तुम्हें अच्छा लगा है, तो अब मैं दूसरे गेस्ट के साथ भी कोशिश कर सकती हूँ फॉर श्योर. बट हैंपर देना हाँ, वरना I think hamper मैं तब रखूंगी जब मैं ये चीजें पर्सनली शूट कर सकूं, जब मैं तुम्हें और तुम और मैं एक ही कमरे में बैठे हो एंड तब हम ये बातें कर सके, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें हैम्पर सौंप सकूं और मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हें धन्यवाद करूंगा. हाँ, और तब मेरे पास इससे बजट भी थोड़ा ज्यादा हो ताकि मैं हैम्पर अफोर्ड कर सकूं. Anything that's making you very hopeful about the recent future?
और तुम वो चीजें भी कह सकते हो जो तुमने इस रिकॉर्डिंग से पहले मुझे बताई थी. देखो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं है, मुझे एक बहुत ही पर्सनल गैदरिंग अटेंड करनी है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेट अक्टूबर, फॉर विच आई एम गोइंग टू दिस वन ब्यूटिफुल प्लेस कॉल्ड देहरादून फॉर ऑलमोस्ट 20 डेज. And I have plans of meeting people there, like genuine good people. Meeting people, okay. Yeah, that's keeping me a lot hopeful because I'll have a bike there and a car. So the basic idea is obviously meeting new people and having and going and out and okay. All those things. Okay, I need to Got control. It. but apart from that, honestly, travel is what. In the last 1.5 years has just given me a lot of hope because it gives so many stories. Yeah. मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, 5 मिनट लिए वहां के किसी के इंसान से बात करते हो तो आपको जिंदगी का एक नया नजरिया और नई चीजें जानने को मिलती है. So for the 20 days that I'm going to stay in Dehradun with all precautions and all important safety measures taken, I'll try going जितना दूर पहाड़ों पर या नदियों में possible हो, because वहाँ बहुत पहाड़ है, and talk to people, maintaining social distance, and know their stories. So that's that sounds lovely, though. I mean, definitely. I think ऐसे time पर just to have a plan or just to know that there is something to expect in the near future gives us so much hope. So ये तो बहुत ही अच्छी बात है. मतलब जिंदगी में थोड़ी रोशनी भर देती है उम्मीद. तो ये वैसी वाली चीज है, कोई भी किसी भी चीज की उम्मीद. तो यू ऑलरेडी शेयर्ड दिस फ्यू लाइंस, बट इज देयर एनीथिंग एल्स, लाइक कोई भी एक छोटा सा थॉट अबाउट होप दैट कीप्स गिविंग यू होप? लाइक आई मीन यू ऑलरेडी शेयर्ड वन, सो डोंट फील ऑब्लिगेड टू शेयर अनदर. मंजिल मिलेगी भटककर ही सही, मंजिल मिलेगी भटककर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर. दिस रिलेट्स टू योर ट्रैवल थिंग आल्सो, सो नो वंडर लाइक दिस एनीथिंग इन लाइफ, आई गेस एनीथिंग. घर यहाँ पर वही है कि आप जहाँ रुके हुए हो या जहाँ पर सुकून मिल रहा है, चाहे वो आप फिजिकली निकल रहे हो, मेंटली निकल रहे हो, किसी और तरीके से निकलना चाहते हो, मगर एक्सप्लोर करो दोस्त. कब तक एक ही चीज पे रुके रहोगे? नई चीजें जानोगे तो बेहतर बनोगे, और बेहतर बेहतर ना भी बने तो नई चीजें जानकर परिवर्तन ला पाओगे, जो कि दुनिया का नियम है मेरे हिसाब से. एंड इसी से जुड़ा एक छोटा सा थॉट है जो राइटिंग से रिलेटेड है, कि यू कैन नॉट सिट डाउन टू राइट इफ यू हैव नेवर स्टूड अप टू लिव. सो वैसी वाली चीज है. हेली हेली. बट दिस हैज बीन अ लॉट ऑफ फन अमन. आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. जिससे पहले अगर तुम होप के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो यू कैन, अदरवाइज आई विल आस्क दिस क्वेश्चन एंड मे बी देन वी कैन हैव योर लास्ट वर्ड्स. यस, सो आई गेस आई वांट टू से समथिंग लाइक वेरी स्मॉल समथिंग, एंड इट्स अगेन टू द फर्स्ट कोट दैट आई सेड, कि समटाइम्स समटाइम्स होप ब्रेक्स यू लाइक एनीथिंग, बिकॉज़ यू आर होपफुल अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ एंड इवेंचुअली दे डोंट हैपन. And it breaks you down to the core. But उस वक्त, उस समय में एक चीज याद रखना कि it has always been better to try and regret than not trying at all. ताकि कल आपको इस चीज का अफसोस ना हो कि अगर मैंने वो कर लिया होता तो. क्योंकि अगर आपने कर लिया है और नहीं भी हुआ है तब भी आपको तजुर्बा मिला है. और जावेद साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. तो हम तजुर्बा है यार, जब भी हम जिस दिन खत्म होंगे एक तजुर्बा लेकर यहाँ से जाएंगे. सबको खत्म होना है, और उस एक दिन के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए करते रहो. बिकॉज मैं मालूम नहीं क्यों मैं हमेशा से सोचता हूँ कि अगर मुझे जब भी कोई डिसीजन करना होता है या कुछ भी फैसला लेना होता है तो मैं बस एक चीज सोचता हूँ कि 35 ईयर्स डाउन द लाइन मैं एक बहुत खूबसूरत से गार्डन में एक रॉकिंग चेयर पर बैठा हूँ और मैं बैठकर अपनी जिंदगी को, अपनी पूरी बिताई हुई जिंदगी को याद कर रहा हूँ. और उस एक वक्त में उस एक बूढ़े थके हुए इंसान के लिए मैं इतने ज्यादा कहानियां बटोर कर रखना चाहता हूँ कि वो मुस्कुराता रहे, बस इतना. चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो मुस्कुराता रहे. That is so beautiful. मतलब जरूरत है यार कहीं ना कहीं, जैसे दिस इज लाइक लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, यू नो, कि
समवेयर डाउन द लाइन हमारी जिंदगियां, हमारा तजुर्बा किसी और को उम्मीद दे, तो ये तो बहुत बहुत खूबसूरत है. And it's a very random or a famous thing to say that आपको अपनी अच्छी चीजें की हुई अच्छी चीजें ज्यादा याद नहीं रहती है, मगर जो बुरी चीजें जब फसादों में गलती पड़ते करते हो वो ज्यादा याद रहता है. वो आप याद करके हंसते हो, भाई उस दिन जो हुआ था हे भगवान, पर अच्छी चीजें नहीं याद रहती है ज्यादा. तो अच्छी चीजों को अभी जियो और बुरी चीजों को अभी संभाल के जी लो, जिसके लिए आप बाद में खुश हो जाना. सही बात है. लाइक जब कोई भी सक्सेसफुल इंसान की भी हम कहानी सुनते हैं तो वो एक्चुअली अपनी फेलियर की ही कहानियां बता रहे होते हैं. सक्सेस तो उन्हें वही फेलियर्स फेस करते करते मिला है, तो एवरी सक्सेस स्टोरी इज एक्चुअली अ फेलियर स्टोरी. मतलब कि इट्स नंबर ऑफ फेलियर्स दैट ब्रिंग सक्सेस, सो इट्स दैट परसेवेरेंस की उम्मीद करते रहने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं. हो जाए यार, और ऊपर से आज इंजीनियर्स डे, द डे वी आर रिकॉर्डिंग दिस, आई गेस आई वाज अलाउड टू से दैट. और भाई हां, सो इंजीनियर्स डे और बाकी भाई इंजीनियरिंग करके जिंदगी चल रही है, और उससे ज्यादा क्या होपफुल होना है तुम्हें. That's great, Aman. Thank you so much. एक आखिरी सवाल है तुम्हारे लिए और फिर we can wrap this up. And जिस तरीके से you are telling आखिरी सवाल, I am now scared. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. I think it's the most, I guess, easy question. ये कोई either or question नहीं है तुम्हारे लिए. But because you know, I have realized this that growing up मुझे काफी बार लोग sensitive बुलाया करते थे in a negative way, कि जहाँ लोग समझते कि अपनी feelings share करना या अपनी feelings के बारे में बात करना कोई बुरी चीज है, या फिर people get shy, they are not able to express their feelings. And as artists, like हम तो कविताएं लिखते हैं which are full of our feelings. So and even apart from that, like I know you to be an emotional person. So I just want to ask you one last question, that how like give us an idea that how can we sort of embrace our emotions, that everybody who's watching this, who will be watching this, how can they be get okay with the idea of being sentimental? Thank you for asking that, Haley. Thank you so much. This is something that I've learned with time. Growing up, I've always been that one very emotional person, but capturing it to myself. And the fear that I had personally was, क्या होगा अगर इसे पता चल जाएगा कि मैं बहुत सारी spelling mistakes करता हूँ जब मैं लिखता हूँ? क्या होगा इसे पता चल जाएगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है? क्या हो जाएगा इसे पता चल जाएगा कि जब भी मेरी मॉम मुझे डांटती है, मैं कितनी भी कस के अपनी मुट्ठी पकड़ कर रखता हूँ, बट मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं टिल डेट. टिल डेट इफ इवन इफ समवन इज टॉकिंग टू मी लाउडली, देयर आर टीयर्स इन माय आईज, मुझे मालूम है. और मैं इन सब चीजों से बहुत डरता था कि व्हाट विल दे थिंक, या किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा. बस लाइक टिल डेट मैं लिखते वक्त अपने हाथ से छुपाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करने वाला हूँ, कोई देखेगा तो क्या होगा. बट जब रिसेंटली, नॉट रिसेंटली मतलब हो गए कुछ साल, जब मैंने ये बात बताना शुरू किया लोगों को कि यार मेरे से बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, मैं छोटी की और बड़ी की और छोटी और बड़ी में डिफरेंस नहीं जानता हूँ, या मुझे एंजल और एंगल की स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं पता है, या व्हीकल में CLE होता है या CL होता है नहीं पता है, तो अगर मैंने इस बात को 10 लोगों से बताया है, मुझे पता चला है कि 5 लोगों के पास ये सेम तकलीफ है. और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार अगर मैं बहुत सेंटिमेंटल हूँ, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं बाहर में, या शायद आप नहीं गिन सकते इतने ज्यादा लोग हैं बाहर में जो ये सेम तकलीफ फेस कर रहे हैं और वो भी नहीं बता रहे. तो जब आप बताएंगे, आप बात करना शुरू करेंगे, वो भी बात करेंगे, एंड यू विल रियलाइज दैट डीप डाउन वी ऑल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स, वी आर ऑल डीलिंग विद द सेम थिंग, वी ऑल हैव ऑलमोस्ट kind of same problems that we are struggling and not opening up about it. So जब आप बात करने लग जाएंगे तो सारी मुसीबतें ही हट जाएंगे दोस्त. तो बोलना शुरू करो, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा. अगर वो उड़ा रहा है तो वो इंसान खुद किसी चीज से जूझ रहा है, इसीलिए वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रहा है, लाइक चैंडलर, लाइक व्हेनेवर आई एम एंग्शियस, व्हेनेवर आई गेट नर्वस, आई क्रैक जोक्स. सो एम्ब्रेस इट, इट विल टेक टाइम, इट इज हार्ड. Till date, I am not able to, like, yeah, I make fumbles, I make a lot of grammatical mistakes even while talking, and I get scared. I'm scared about how slim I look, but then when I meet people who are slimmer than me and I talk to them, they're like, "Chhodna hai, chalta hai." I'm like, "Cool, yeah, he's facing more problems."
if I meet someone who is much more fat and not able to walk, वो 10 मिनट चलने के बाद हाफ में लग जाता है, I'm like, dude, he has major problem. बहुत सी ऐसी चीजें दोस्तों. तो आप जो भी फील करते हो, एक तरीका ढूंढो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बात कर सकते हो. मेरे लिए वो कहानियां सुनाना है, कविताएं सुनाना है, या शेर या ख्याल में कहीं छुपा कर आहिस्ता से आपके पास भेज देना है कि वो आपको दस्तक दे और बताएं कि दोस्त आओ तुम भी बात करो. थैंक यू सो मच अमन, दैट इज सो ब्यूटिफुल. ऐसा लग रहा था तुम जैसे अभी भी मुझे एक कविता ही सुना रहे हो. तो थैंक यू सो मच, दिस हैज बीन रियली रियली वंडरफुल फॉर मी. एंड आई थिंक मैंने मतलब कितनी सारी नई कविताएं, कितना कुछ नया जान लिया है इसी में. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. एंड आई होप वी कैन यू नो कीप टॉकिंग एंड डू मोर एपिसोड्स टुगेदर. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Please. And we'll do more of like live episodes and all. Yeah. Definitely. Be in the same room and be able to do that. Tab tak ke liye shukriya and thank you so much. And bye. Good night. Chhapa khair. Stay safe, stay healthy, stay happy, yes. And stay hopeful.